ऑल राइट, तो फाइनली इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद बर्सक की लास्ट एपिसोड कल रिलीज कर दी जाएगी। मीन्स के छठी एपिसोड इस वेब सीरीज की लास्ट एपिसोड होने वाली है। अब लास्ट एपिसोड के ऊपर बात करने से पहले ये बात करना जरूरी बनती है कि आखिर बर्सक को बायकॉट होना चाहिए था, आखिर बर्सक को बैन होना चाहिए था। तो ये बैन वाला चैप्टर तो मैं एक ही लाइन में क्लोज कर देता हूँ कि भाई साहब ये किसी पाकिस्तानी टीवी चैनल के ऊपर आ ही नहीं रहा ये बर्सक ड्रामा, तो इसको पैमरा बैन कैसे कर सकता है। तो ये तो वन लाइन क्लोजर हो गया। अब अगर आप सवाल ये है कि क्या क्या आखिर इस ड्रामे को बायकॉट होना चाहिए था जो मैसेज इसके थ्रू दिए गए, तो आई एम 100% श्योर और मेरा तो यही इसके ऊपर ओपिनियन है कि वाई नॉट, जो इसके अंदर चीज़ें दिखाई गई हैं मेरे को किसी और चीज़ से लेना देना है ही नहीं। मेरे को प्री मैरिटल सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, या फिर वो बच्चों का जो सीन दिखाया गया उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को जो असल कोड है ना वो LGBT वाले सीन के ऊपर है, क्योंकि यार वो अगेंस्ट ही नेचर है और उसका बहुत सख्त अजाब है। अच्छा, मेरे कुछ साथी यूट्यूबर्स भी हैं, जैसे आई एम सॉरी शाहजिद भाई, मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने आपकी लास्ट वीडियो यहाँ देखी और आपने कहा कि बर्सक को जो है वो बायकॉट नहीं होना चाहिए क्योंकि बर्सक जो है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही नहीं है, वो तो इंडिया के प्रोडक्ट है और इंडिया के इस तरीके से तो हमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या फिर इन चीज़ों के ऊपर भी तो कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, तो वहाँ हम क्यों नहीं बोलते बायकॉट का। तो इसका जवाब मैं आपको बड़ा क्लियर देता हूँ कि वहाँ पर कोई पाकिस्तानी एक्टर यूज़ ही नहीं हुआ होता और वो कोई ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आप इजी टू यूज़ हो। जैसे नेटफ्लिक्स को आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, आप जानते हो कि आप क्या चीज़ देख रहे हो, ठीक है। इस ड्रामे को या इस वेब सीरीज़ को उस लहजे के अंदर या उस जो ट्रेलर वगैरह था उसमें पोर्ट्रेट किया ही नहीं किया गया कि ये इस तरह के कॉन्टेंट को ले जाया जा रहा है। इवन कि हम यूट्यूबर्स को नहीं पता था कि इस वेब सीरीज़ के अंदर कुछ इस टाइप का कॉन्टेंट होने वाला है। सेकेंडली ये कि यार डिपेंड प्लेटफॉर्म नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि एक्टर्स कहाँ के यूज़ किए गए और किस मुल्क के अंदर इस ड्रामे को शूट किया गया है, किस जगह पे इस टाइप का मटेरियल बनाया जा रहा है। और ये टोटली प्रोडक्शन, टोटली जो है इसकी सिनेमेटोग्राफी जितनी भी है वो सारी पाकिस्तान के अंदर की गई है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इसको शूट किया गया है। तो आई थिंक के जो है ना, अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों के पास चॉइस है देखें ना देखें, तो भाई साहब लोगों के पास चॉइस तो है, लेकिन और आपने ये भी कहा है एक मैसेज के अंदर कि हमें अपना दिमाग खोलने की जरूरत है। यही तो चाह रहे हैं कि भैया इस टाइप के ऊपर दिमाग खुल जाए। आई थिंक इस चीज़ के ऊपर दिमाग बंद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, दिमाग बंद रखने पर ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि भैया बर्सक की लास्ट एपिसोड क्या होगी और बर्सक की एंडिंग क्या होने वाली है। अच्छा, काफ़ी ट्विस्ट एंड ट्रेंड से भरी हुई है। मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि यार अगर वो LGBT वाला मसला नहीं होता ना तो इस वेब सीरीज़ की वाइब ही अलग थी। जो मिस्ट्री, जो ट्विस्ट एंड ट्रेंड इसके अंदर थे ना, उसकी वाइब ही अलग है। और यही वजह है कि वेब सीरीज़ की लास्ट एपिसोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्रेंड से भरी हुई है कि आखिर बर्सक में क्या होने वाला है, क्या मेहताब और जाफर खान ज़्यादा की शादी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि वो पहाड़ के सफ़र के लिए निकल तो पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ हारिस भी पहाड़ के ऊपर पहुंचा हुआ है, शहरयार का बेटा पहाड़ के ऊपर ऑलरेडी पहुंचा हुआ है अपनी माँ की तलाश में। अच्छा, जब्बार का करेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि असल विलन जो है वो जब्बार है, ये हमें पता चला है ड्रामे वेब सीरीज़ की 5वीं एपिसोड के अंदर कि भैया सारा जो गेम रचा है, जो सारी साजिश रची है, जो ये सारा सीन हुआ है कि मेहताब को मार दिया और फिर वहाँ से फिर एक लड़की को भेजा गया जो सनम सईद करेक्टर है, तो ये सारा जो साजिश रची गई है वो जब्बार की वजह से रची गई है। और ये सारा गेम शुरू होता है वो उस गले से जो पैसे जमा कर रहा होता है जब्बार जुनूब जाने के लिए, लेकिन जो है वो जाफर खान ज़्यादा उसका गला तोड़ के अगले दिन जुनूब निकल जाता है पैसे जमा करने के लिए। अच्छा, एंडिंग के बारे में मेरा ये मौकफ है कि आई एम 100% श्योर कि मुलाकात तो ज़रूर होगी। बर्सक में जो हमें दिखाया गया, जो पहाड़ी के ऊपर गए हैं वहाँ से रूह है, मतलब गैब का और इस दुनिया का मिलन तो ज़रूर होगा। और ये हो सकता है कि मिलन के बाद मेहताब और जाफर खान ज़्यादा के मिलन के बाद जो है वो जाफर खान ज़्यादा साहब अल्लाह को प्यारे हो जाए और उस दुनिया इस दुनिया के अंदर जो है उनका रब्ता शायद ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए। मगर दूसरी तरफ एक और ट्विस्ट भी है कि आखिर सैफुल्ला ने अपनी माँ को क्यों मारा था। मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल गाय सैफुल्ला करेक्टर, उसने आखिर अपनी माँ को क्यों मारा था, क्या आया वो इस वजह से मारा कि उसका कोई राज उसकी माँ को पता चल गया कि उसका वो स्ट्रेट नहीं है, वो एक LGBTQ वाला है, एक गे करेक्टर है, तो क्या ये राज पता चलने के बाद उसने अपनी माँ को मारा या फिर वो अपनी माँ की खुशियों के लिए अपनी माँ को मार गया। लेकिन अगर ये बात होती है कि अपनी माँ की खुशियों के लिए अपने आप को मार गया तो ये तो अजीब ही बात हो जाएगी। खैर, देखते हैं यार कि बर्सक की लास्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है। मिस्ट्री तो है यार, सस्पेंस भी है, बस वो सारा मज़ा जाना वो LGBT वाले ने खराब कर दिया। खैर, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना।